हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है 1900 मैच मार्स वनडे कप का, जो कि क्वींसलैंड और तस्मानिया के बीच में कल सुबह 5:30 बजे हॉबर्ट के वेन्यू पर खेला जाएगा। अभी तक फ्रेंड हॉबर्ट के वेन्यू पर इस सीजन एक भी मार्स वनडे कप का मुकाबला खेला गया नहीं है, ये पहला मैच खेला जाने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं, जैसे टॉस से जो हो, प्लेइंग 11 को लेकर हो, या इन दोनों ही टीम वगैरह कोई भी इन्फो आता है सबसे पहले आपको वहीं पर मिल जाता है, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा रखा है। वहीं फ्रेंड्स, अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाइए, रॉयल स्पोर्ट गुरुजी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर हमारा चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से पॉइंट्स टेबल देखोगे तो क्वींसलैंड जो पॉइंट्स टेबल में सेकंड प्लेस पर है और तस्मानिया की जो टीम है वो पॉइंट्स टेबल में 7वें 5वें प्लेस पर है। टोटल फ्रेंड्स, क्वींसलैंड ने अभी तक 6 मुकाबले खेले जिनमें 4 उन्होंने जीता है, 2 हारा है। वहीं तस्मानिया ने अभी तक 2 मुकाबले जीते हैं और 3 हारे हैं। अगर आप यहां से इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला देखोगे तो क्वींसलैंड की जो टीम है अपना जो पिछला मुकाबला है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 रन से जीत कर आया फ्रेंड, जिसमें ब्रांड के 64 थे और स्टेक्टे ने 2 विकेट निकाले थे। वहीं फ्रेंड्स, तस्मानिया अपना जो पिछला मैच है वो नॉर्थ साउथ वेल के खिलाफ खेलकर आया है, जहां पर तस्मानिया ने नॉर्थ साउथ वेल को 6 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें एक डरमेट के 58, जॉर्ज बेली के 67, इलिस के 5 विकेट और मिरदीप ने 2 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अपने पिछले मैच में अच्छा किया हुआ है। इस वाले मैच फ्रेंड काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं और नहीं खेलने वाले, आगे आपको सारा कुछ अपडेट हमारे इस वीडियो में पता लगने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ से वेन्यू पिच रिपोर्ट देखोगे तो जो पिच फ्रेंड्स जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ता है, मतलब जो सेकेंड इनिंग है वहाँ पर स्लो होने लगता है पिच, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगा इस वेन्यू पर वो फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला ले सकता है। अगर आप यहां से पिछले कुछ मैचेस एवरेज स्कोर देखोगे तो लास्ट 36 और ऑलरेडी में से फ्रेंड 243 रन का एवरेज स्कोर निकल कर आया है, जहां पर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग की है वो 21 बार जीत चुका है और जो टीम सेकंड बैटिंग किया है वो 14 बार जीत चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेन्यू पर चेस करना उतना आसान होता नहीं है, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगा वो फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला ले सकता है। अगर आप यहां से इन दोनों ही टीमों का पिछला हैट्रिक एनकाउंटर देखोगे, जो कि पिछला सीजन खेला गया था, जहां पर फ्रेंड तस्मानिया ने क्वींसलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें क्वींसलैंड की टीम की तरफ से स्टेक्टे के 30, स्टैनले के 2 विकेट, वहीं तस्मानिया की टीम की तरफ से जॉर्ज बेली के 70, नवाद मिलेनको के 57, गुरिंदर संधू के 2 विकेट और सिविल रोस ने 2 विकेट निकाले थे। फ्रेंड्स, इस वाले मैच में आप यहां से स्टेक्टे और मिलेनको इन दोनों ही प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की टीम से अच्छा है तो रख सकते हैं, बिल्कुल ही ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जब भी टीम आपस में भिड़ी है ये 3 नाम आपको लगातार देखने को मिलेगा, जिसमें स्टेक्टे हैं, जॉर्ज बेली और मिलेनको हैं। अगर आप यहां से एक और हेड स्टैट देखोगे, वहां पर फ्रेंड तस्मानिया ने फिर से क्वींसलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें ब्रांड के 36, स्टेक्टे के 4 विकेट, मैकडरमेंट के 117, मिलेनको के 50, नाबाद मिरदीत के 3 विकेट और गुरिंदर संधू ने 1 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड जिन्होंने अपने पिछले हैट्रिक एनकाउंटर में अच्छा किया हुआ है, आप यहाँ से इन प्लेयर के नाम को नोटिस से रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना खुद का ड्रीम टीम का ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग फॉर्मेट करोगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है। यहाँ से आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि 5-star प्लेयर को लेकर है, कौन से 5-5 प्लेयर है दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अभी तक इस मार्स वनडे कप में अच्छा किया हुआ है और पिछले सीजन भी अच्छा कुछ करके आए हैं। उसमें क्वींसलैंड टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा, जिनका जो पहला दूसरा मैच था वो अच्छा गया था, बाकी 2 मैचेस से उतने खासे अटैच वगैरह नहीं आए हैं। रेनसॉ हैं, स्टेक्टे हैं, विल्डर मोथ हैं और कुन मान है। वहीं तस्मानिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो मैकडरमेट जो लगातार अच्छे टच वगैरह आए हैं सीवी जोल के साथ में, बाकी फॉकनर हैं, इलिस हैं और मिरदीत हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन 10 में से करीब 8 या 9 प्लेयर इस वाले मैच में आपकी स्मॉल लीग की टीम में जरूर हों। अगर आप यहां से टॉप फैंटेसी पिक्स देखोगे तो फ्रेंड्स
तस्मानिया के 10 मैकडरमेट हैं जिन्होंने पिछले 10 मुकाबलों में 531 रन बना चुके हैं 66 के एवरेज से। गुरिंदर संधु जिन्होंने पिछले 9 मुकाबले 22 विकेट निकाले हैं। गुरिंदर संधु का अभी तक काफ़ी कम लोगों ने पिक किया हुआ है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आप इनको बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा। बाकी मिर्दित ने पिछले 9 मैचेस में 14 विकेट निकाल रखे हैं। वहीं अगर आप यहाँ क्वींसलैंड की तरफ से देखोगे तो कुन मान है जिन्होंने पिछले 9 मुकाबले में 14 विकेटें निकाली हैं। इस टेकते हैं जिन्होंने पिछले 9 मैचेस से 13 विकेटें निकाले हैं। आप चाहें तो इन प्लेयर को ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों ही टीम में शामिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ टीम न्यूज़ देखोगे तो फ्रेंड्स लबुशेंच निसार जो बर्न्स इस वाले मैच को खेलने वाले नहीं हैं। अभी तक इन तीनों को काफ़ी लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने भी सेलेक्ट किया है तो जल्दी से ड्रॉप कर दीजिएगा, ये इस वाले मैच को खेलने वाले नहीं हैं। बाकी अगर आप यहाँ से तस्मानिया का पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको यहाँ से मैकडरमेट और जिवेल ओपन कर दिखाई देने वाले हैं। बाकी वेबस्टर हैं, डोरन है फ्रेंड्स, यहाँ से वेबस्टर और डोरन तो उतने से टच में नज़र नहीं आए हैं, लेकिन जो ओपनिंग का प्लेयर है मैकडरमेट और जिवेल का वो काफ़ी से टच में है फ्रेंड्स। आप जो है इन दोनों ही प्लेयर को अपनी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के टीम में जरूर रखिएगा। बाकी यहाँ से बेली है, मिलेनको है जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जब भी तस्मानिया की टीम क्वींसलैंड के खिलाफ खेली है। फोकना जो है अच्छे टच में आए हैं। संधू हैं, सिलरोस हैं, इलीस हैं और मिर्दित हैं। मेरे हिसाब से जो पॉसिबल निकल कर आया तस्मानिया की टीम की तरफ से वो यही रहने वाला है। बाकी बेंच पर आपको यहाँ से बॉल और राइट बैठते हुए दिखाई देंगे। वहीं क्वींसलैंड टीम की तरफ से जो पॉसिबल लोग निकल कर आया है उसमें ब्रांट और ख्वाजा ओपनिंग कर दिखाई देंगे। अभी तक फ्रेंड्स ही प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जैसे एक में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर ले रहे हैं, लेकिन 2-3 मैचेस से उतने अच्छे टच में नहीं आए हैं। बाकी यहाँ से रेंसाओ ये भी उतने अच्छे टच में दिखाई नहीं दिए हैं। बाकी फ्रेंड यहाँ से विल्डरमुथ काफ़ी अच्छे पीक हैं जो कि बैट और बॉल दोनों के साथ आपको अच्छा करके दे सकते हैं। स्ट्रीट है, पेरिसन है, कुनमान है, ब्राइटली है, स्टैनलेक है, स्टेकटे हैं और गैनन है। मेरे हिसाब से जो पॉसिबल रहने वाले इन दोनों ही टीम की तरफ से मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। बाकी कोई भी चेंजेस होता है, न्यूज आता है तो सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम पर अपडेट करा दिया जाएगा, इसलिए आपका हमारा टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर आप इस वाले मैच में स्मॉल लीग में किसी कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं चार में से किसी दो के साथ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं चार में से किसी दो को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वींसलैंड की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा हैं, विल्डरमोथ हैं। वहीं तस्मानिया की टीम की तरफ से मैकडरमेट और जुएल हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं चार में से कोई दो आपका भी कैप्टन या वाइस कैप्टन हो। वहीं अगर ग्रैंड लीग खेलते छह टीम के साथ तो आप इन प्लेयर को ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हो सके तो इनमें से एक या दो प्लेयर को अपने किसी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा, जिसमें क्वींसलैंड टीम की तरफ से रेनसॉय हैं, स्टेकटे हैं, ब्रांट हैं। वहीं तस्मानिया की टीम की तरफ से जॉर्ज वेली हैं, मिलेनको हैं और मिर्दित हैं। आप चाहें तो इन प्लेयर को भी ग्रैंड लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या हो सकता है ड्रीम11 की टीम। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो मैंने यहाँ से मैकडरमेट को पिक किया हुआ जो कि ओपन करने वाले तस्मानिया की टीम की तरफ से काफ़ी अच्छे टच में आए हैं, आपको कीपिंग में भी अच्छा खासा पॉइंट अर्न करके दे सकते हैं। बाकी यहाँ से आपके पास इकलौता सेफ ऑप्शन है पेरिसन का, अगर आप किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जाइएगा। बाकी जो मैथ्यू वेड है, जे डोरन तो खेलेंगे और यहाँ से प्रिपर दोनों ही नहीं खेलने वाले हैं। बाकी आपके पास दो ऑप्शन है, एक पेरिसन का आप इनको स्मॉल भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी यहाँ से आप डोरन और ग्रैंडिंग भी ट्राई कीजिएगा। पेरिसन की बात करें ये आपको 6 नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देंगे क्वींसलैंड की टीम की तरफ से। वहीं फ्रेंड्स तस्मानिया की तरफ से आपको डोरन जो है 4 नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देने वाले हैं। अगर आप यहां से बैटिंग सेक्शन देखोगे तो मैंने यहां से 4 बैट्समैन को पिक किया हुआ है, जिसमें उस्मान ख्वाजा जी को ओपन करने वाले हैं क्वींसलैंड टीम की तरफ से, जॉर्ज बेली हैं जो कि 5 नंबर पर खेलेंगे तस्मानिया की टीम की तरफ से, मैंने यहां से रेनसाओ को भी पिक किया हुआ है जो कि 1 डाउन आएगा क्वींसलैंड टीम की तरफ से, और फ्रेंड्स मैंने नीचे से यहाँ से जिवेल को पिक किया हुआ है जिनका पिछला 3-4 मुकाबला काफ़ी अच्छा गया है और काफ़ी से टचमेंजर आए हैं। ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे तस्मानिया की टीम की तरफ से। वहीं फ्रेंड्स आप यहां से बंस लबुशेंच आप देख सकते हैं 91% लोगों ने लबुशेंच को अभी तक पिक किया हुआ, अभी तक इनको ड्रॉप नहीं किया है। अगर आपने भी ड्रॉप नहीं किया है तो जल्दी से ड्रॉप कर दीजिएगा, ये इस वाले मैच को खेलने वाले नहीं हैं। बाकी यहां से आप जे सिल को भी पिक मत कीजिएगा, हेजलेट को भी पिक मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों ही प्लेयर स्क्वाड में नहीं है।
अगर आप यहाँ किसी और को पिक करना चाहते हैं तो आपस तीन ऑप्शन है। एक तो वेबस्टर का है जो कि आपको वन डाउन खेलते दिखाई देगा तस्मानिया की टीम की तरफ से, आप इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। एक ब्रांड है जो कि ओपनिंग करने वाला है क्वींसलैंड टीम की तरफ से, और दूसरा यहाँ से भी स्ट्रीट का है। आप चाहें तो इन प्लेयर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से स्मॉल लीग ब्रांड के साथ जाइएगा अगर आप किसी और को पिक करना चाहते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने दो ऑलराउंडर को पिक किया हुआ जिसमें जेम्स फॉकनर हैं जो लगातार विकेट निकाल कर आए हैं, और मैंने यहाँ से विल्डर मौत को पिक किया हुआ है जिनको हार्डनिंग करने के लिए मतलब 4 से 5 ओवर भेज दिया जाता है क्वींसलैंड टीम की तरफ से। साथ ही फ्रेंड्स अपने कोटे के जब आपको पूरे पूरे 10 ओवर बॉलिंग करा कर देने वाला है। अगर आपने अभी तक निसार बैन कटिंग इनको ड्रॉप नहीं किया ड्रॉप कर दीजिएगा, ये इस वाले मैच को खेलने वाले नहीं है। बाकी आपस ग्रैंड लीग के ऑप्शन गेनन का ये बिल्कुल आपको इस वाले मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे, आप इनको भी पिक कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से फ्रेंड्स मैंने 4 बॉलर को पिक किया हुआ है जिसमें स्टेकते हैं जो लगातार अच्छा करते हैं जब भी क्वींसलैंड की टीम तस्माना के खिलाफ खेलती है। कुरमान है, मृदित है, और नीचे से मैंने यहाँ से एलिस को पिक किया हुआ है जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 विकेट निकाले थे। ये 4 बॉलर मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है। बाकी अगर आप यहाँ से किसी और को पिक करना चाहते हैं तो आप पास ऑप्शन है स्टैनले का, गुरिंदर संधू का, आप इनके साथ जा सकते हैं, भी काफ़ी अच्छे पिक है स्मॉल लीग के लिए। बाकी नीचे से आप पास है फ्रेंड्स एक ही अच्छा ऑप्शन उसमें है बार्टलेट का, आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम फ्रेंड्स जिसमें मैकडरमेट है, रेंसवा है, ख्वाजा हैं, बेली हैं, जिवेल हैं, विल्डर मौत हैं, जेम्स फॉकनर हैं, स्टेकटे हैं, कुनमान हैं, मृदित हैं और एन इलीस हैं। ये हमारा फाइनल टीम रहने वाला है। बाकी हमारा जो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वन टीम के साथ में।